हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि आप कोई भी टेक्स्ट ब्लिंकिंग स्टाइल में कैसे क्रिएट कर सकते हो। सो बिना किसी देरी किए लेट गेट स्टार्ट। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए सैंपल कलर्स में, और सैंपल कलर्स में आप ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है टाइटल्स में और आप कोई भी टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं ये कर लेता हूँ और इसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखना है, या फिर आप जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, तो आपको जो भी वर्ड लिखना है उसका आप पहला लेटर लिखिए सर, ठीक है। जैसे मैं टी लिख रहा हूँ टेक्स्ट का, साइज जितना भी आप चाहते हो मैं इतना कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, ओके। और इसके बाद फॉन्ट ठीक है, ओके ओके कर दीजिए। और इसके बाद आपको ext भी लिखना है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ओके। और बाकी ext के लिए भी पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आप लिख दीजिए टी की जगह ई, और इसमें लिख दीजिए एक्स, और इसमें लिख दीजिए टेक्स्ट, ठीक है, txt, ओके। तो इसके बाद आपको थोड़ी पोजीशन भी लगानी है। अगर मैं इसको एक साथ रखूं सबको तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इनका एनिमेशन बंद कर दीजिए, आप इनफैक्ट पहली वाले का ही कर लेते तो सही रहता, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने। आप एनिमेशन चारों का बंद कर दीजिए, ओके। इसके बाद आप ई को पोजीशन यहां पे करिए, ओके। तो ये हो गई। और अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों अब आपको ब्लिंकिंग इफेक्ट देने के लिए यहां पे आपको गैप देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, जैसे ये मैंने दिया, इसके बाद आप ये ले लीजिए, ठीक है, जिस भी हिसाब से आपको देना आप दे सकते हैं, कोई भी पैटर्न आप ले लीजिए। मैं अभी रैंडमली कर रहा हूं, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ओके, शायद इसका एनिमेशन बन रही है, ओके। अब देखिए, ठीक है ना। अब जैसे ये है, अब आपको इसको सेम यही ब्लिंकिंग कंटिन्यूसली रखनी है, तो इसके लिए आप पूरा ये कॉपी करिए और यहां पे पेस्ट कर दीजिए, ओके, और इसको कंटिन्यू जोड़ दीजिए इसके साथ, ठीक है। और एक बार और कंट्रोल वी करके पेस्ट फिर से, ठीक है। तो अगर आप देखें तो थोड़ा यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एक पैटर्न दिख रहा है, तो आप कुछ इधर पे और भी कुछ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि पोजीशन यहाँ पे जो भी आप शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैं इधर पे इसकी पोजीशन चेक कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा यहाँ कर देता हूँ, और ये आप जो भी आप अच्छा लगे आपको हिट एंड रोल करके आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और एक और चीज, थोड़ा सा सडन अपीयरेंस हो रहा है, तो अगर आपको थोड़ा सा कुछ ट्रांजिशन आप लगा सकते हैं तो वो भी आप लगा दीजिए, क्योंकि उससे अपीयरेंस थोड़ा सा सॉफ्टली होगा। जैसे कि डिजोल्व ट्रांजिशन अगर अपन लगाते हैं, तो उससे आप देखिए, इन सब में मैं डिजोल्व लगा देता हूँ। ऐसे आप एक साथ लगाने के लिए क्या करिए, सबको क्लिक करके ये डिजोल्व प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से सब में एक साथ ट्रांजिशन लगे, तो इसमें आप देख सकते हो थोड़ा सा एकदम से अपीयरेंस नहीं हो रहा है, आराम आराम से अपीयरेंस हो रहा है, सॉफ्टली अपीयरेंस हो रहा है, तो इस टाइप से, तो ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप कोई कलर्स देने हैं टेक्स्ट में, अगर व्हाइट के अलावा, तो वो भी आप दे सकते हैं। रैंडमली मैं अभी दे देता हूँ, कोई येलो दे दिया, और इसमें ये वाला दे दिया, ठीक है, पिंक, और ये तो अगर अपन देखें आप, तो इस टाइप से आप ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और इसको अगर आपको और बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हो, आप पूरा ही कंट्रोल सी कर लीजिए कॉपी, एंड देन कंट्रोल वी, और पोजीशन थोड़ा सा इसको यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा एक साथ कर देता हूँ, अब प्ले करिए। तो इस टाइप से आप ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक आइडिया कन्वे किया है, ठीक है, जिससे कि आप इस तरीके से और भी अच्छा तरीके से पैटर्न ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट कर सको, और कलरफुल टेक्स्ट के साथ तो और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए,
एंड मेरे बाकी के जो ट्यूटोरियल्स हैं फिल्मोरा के वो भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई वीडियो एडिटिंग का काम करवाना है, कोई वीडियो एडिट करवानी है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, आप मुझे DM करिए इंस्टाग्राम में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो आप मुझे बताइए कि आपको किस टाइप का काम करवाना है, आपको कैसे काम करवाना है, मैं उसको बेस्ट पॉसिबल तरीके से आपके लिए करके दूंगा एट अ वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कम से कम कॉस्ट में करके दूंगा। एंड अगर आपको कोई मेरा वर्क सैंपल्स देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आई बटन में आप क्लिक करिए, माई वर्क करके आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो आप उसमें आप देख सकते हैं, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी वैसे डार्क, तो उसमें डायरेक्शन प्लस एडिटिंग दोनों ही मैंने किया, तो आप वो देख सकते हैं एंड बाकी के जो वीडियोज है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपका काम कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे मैसेज करिए, अपन उसको एक साथ मिलकर बेस्ट तरीके से आपका काम करेंगे एंड लेट्स डू इट, जस्ट DM। थैंक यू।